ट्वेल्थ क्लास। यस बेटा, आजकल मैं आपसे डिस्कस कर रही हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वेक्टर अलजेब्रा के। और आज मैं आपसे डिस्कस करने लगी हूँ बेटा 2020 में पूछे गए क्वेश्चन। ओके, 2020 में एज सच मैं एग्जाम पैटर्न कहूँ तो बेटा इंटरनल असेसमेंट ऐड हो चुका था, 80 मार्क्स का थ्योरी पेपर था। उसमें वेक्टर अलजेब्रा के 1 मार्क्स के 2 क्वेश्चन एंड 2 मार्क्स का 1 क्वेश्चन, दैट मीन्स टोटल 4 मार्क्स का क्वेश्चन आया था। What was those question? If the projection of A on the vector B is zero, then value of the lambda is MCQ form. 20 question MCQs थे बेटा तब। अब इसमें आपसे कहा है सिंपल, projection of a vector on another vector is zero. अब मैं projection of A on B बात करूं बेटा, इसको लिखूं अगर मैं, क्या होता है ये ए वेक्टर डॉट यूनिट वेक्टर अलोंग बी, जिसको आप कहें ओके दिस इज गिवन टू बी जीरो। ओके, मैं ये लिख रही हूं साथ में क्योंकि मैं इसी को पहले मॉडिफाई करना चाहती हूँ। ए डॉट बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी, जो आप याद रखते हैं। ठीक है, मैं दोनों तरीके से बताती हूँ ताकि जिसने भी बेसिक याद कर रखा है वो भी कर ले। अब ये मैग्नीट्यूड भी आप राइट साइड में ले जाएंगे तो बेटा जस्ट जीरो नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो जीरो हो जाएगा, राइट? दैट मींस ए डॉट बी जीरो आएगा। तो आप इसको लेंथी करें कि मैग्नीट्यूड भी निकालें, फिर पूरी प्रोजेक्शन निकालें, फिर उसको जीरो रखें, तो ये थोड़ी सी आपको माइंड में ध्यान रखना चाहिए। और इतना सब कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल दिस इक्वल टू जीरो से आपका ये आ जाने वाला है। ठीक है, बार बार कहती हूँ, मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में समझाती हूँ बेटा, बिल्कुल कि हर एक लेवल के बच्चे को समझ हो जाए। यस, आप देखिए ए ये वेक्टर, बी ये वेक्टर, 1 मार्कर क्वेश्चन है बेटा। बिल्कुल यहीं से देखते हुए पेपर आपके सामने होता है। कंपोनेंट वाइज मल्टीप्लाई करते जाइए, 1 इंटू 2 इज 2, माइनस 2 इंटू जे की और कोई फॉर्म है नहीं, यहाँ पर 0, 3 इंटू लैम्डा, 3 लैम्डा इज 0, दैट मीन्स लैम्डा विल बी माइनस 2 बाय 3, राइट? 2 will be transposed here, minus 2 and 3 will be transposed at division. Okay, simple to get? Yes, तो इसका answer हो गया बेटा definitely C. Okay, C was the answer. चलिए next, next question is the position vector of 2 points A and B are this and this. 2 points के position vector दे रखे हैं। The position vector of a point P which divides the line segment joining A and B in the ratio 2:1. Yes, direct internal division का question बेटा, direct formula use करते हैं आप। आपके A और B के position vector दे रखे हैं। Suppose this is A, this is B, ये O है, तो आपको OA दे रखा है 2i माइनस जे माइनस के, और ओबी वेक्टर दे रखा बेटा आपको 2i माइनस जे प्लस 2k। द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट पी, दिस इज द सपोज पॉइंट पी व्हिच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ए बी इन द रेशियो 2:1। ओके, तो डायरेक्ट इंटरनल डिवीजन का क्वेश्चन है बेटा। पोजीशन वेक्टर ऑफ पी क्या होगा बेटा, आर लिख देते हैं हम इसे। दिस विल बी 2 टाइम्स पोजीशन वेक्टर ऑफ पी, दैट मीन्स 2i माइनस जे प्लस 2k प्लस 1 टाइम्स पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, दैट मीन्स 2i माइनस जे माइनस के, केयरफुली लिखिए बेटा सभी वेक्टर, डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1, जिसको मैं चलिए यहां लिख देती हूँ। ओके, That means this will be 1 by 3 times, ये calculate करेंगे बेटा, 4i minus 2j plus 4k, और ये 1 से ही multiply हो रहा है, तो as such रहेगा 2i minus j minus k, but like terms add कर दें हम साथ के साथ, चलिए 3 को भी अंदर divide कर देंगे, 4 plus 2, 6 हो गया बेटे, i 6 by 3 is 2. माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 3 माइनस जी। ओके,
फोर के माइनस के थ्री, थ्री के डिवाइडेड बाय थ्री, दैट मीन्स के, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ पी आ गया बेटा टू आई माइनस जे प्लस के। ओके, सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन था, बट फिगर आपको कोई मस नहीं है बेटा बनाना, आपको समझाने के लिए, रिकॉल कराने के लिए बनाई है मैंने। वन मार्कर क्वेश्चन में ऐसे फिगर बनाना कोई मस नहीं है, यू कैन डू दिस। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड ए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द वेक्टर्स ए एंड बी, वेयर ए इज दिस, बी इज दिस। दो गिवन वेक्टर के परपेंडिकुलर वेक्टर है, यस। ये कैलकुलेट करने के लिए आपको डायरेक्ट ध्यान रहना चाहिए बेटा, हमेशा हम वेक्टर प्रोडक्ट कैलकुलेट करते हैं, राइट। अगर ए और बी आपके इस प्लेन में है तो ए क्रॉस बी इसके परपेंडिकुलर होगा, राइट। ए क्रॉस बी के अलोंग हमें यूनिट वेक्टर चाहिए, दैट मीन्स आप ए क्रॉस बी कैलकुलेट करिए, फिर उसके अलोंग यूनिट वेक्टर करिए, ठीक है। यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर चाहिए, तो सबसे पहले हम क्रॉस प्रोडक्ट कैलकुलेट कर लेते हैं बेटा। क्रॉस प्रोडक्ट हम कैलकुलेट करते हैं डिटर्मिनेंट फॉर्म से, फर्स्ट रो आई जे के, सेकेंड रो ए के कंपोनेंट फाइव सिक्स माइनस टू, थर्ड रो बी के कंपोनेंट सेवन सिक्स टू, एंड इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो दिस विल बी आई ट्वेल्व प्लस ट्वेल्व ट्वेंटी फोर, ओके माइनस जे दिस विल बी टेन प्लस फोर्टीन अगेन ट्वेंटी फोर, प्लस के दिस विल बी थर्टी माइनस फोर्टी टू, दैट मीन्स ट्वेल्व, so this will be 24 i minus 24 j minus 12 k, that means we can take 12 common, this will be 2 i minus 2 j minus k, okay। I'm just taking common for simplifying the calculation। ab mujhe मैग्नीट्यूड सी चाहिए एक्चुअली, है ना, यूनिट वेक्टर कैलकुलेट करने के लिए। मैग्नीट्यूड सी क्या होगा बेटा, स्क्वायर रूट ऑफ, इनके कंपोनेंट का स्क्वायर आना था ना, वो ट्वेल्व स्क्वायर आपका कॉमन आ जाएगा, चाहे आप ट्वेंटी फोर स्क्वायर वगैरह करके करें, चाहे जैसे भी करें, ट्वेल्व स्क्वायर आपका आना है ए, फिर टू स्क्वायर, फिर टू स्क्वायर, फिर वन स्क्वायर, ट्वेल्व स्क्वायर और ये हो गया नाइन, तो दैट मीन्स ट्वेल्व इंटू थ्री थर्टी सिक्स, 36 आपका मैग्नीट्यूड आ गया। देयरफॉर रिक्वायर्ड यूनिट वेक्टर या यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी, जो भी आप लिखना चाहें, इस यूनिट वेक्टर सी विच विल बी वेक्टर सी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ सी। और आपको पता चल रहा है बेटा 36 से इसको डिवाइड करना है, क्विकली मेंटली कैलकुलेट करके आप लिख सकते हैं, 24 डिवाइडेड बाय 36 2 बाय 3, 24 डिवाइडेड बाय 12 से 12 कॉमन फैक्टर है ना कट जाएगा, माइनस 2 बाय 3 जे एंड 12 बाय 36 माइनस 1 बाय 3 के। ओके सो दिस वुड बी द आंसर, दिस वुड बी द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपिपेड हूज एडजेसेंट एजेस आर रिप्रेजेंटेड बाय दिस दिस एंड दिस। यस, पैरेललोपिपेड का वॉल्यूम बेटा हमने एक बार डिस्कस जरूर किया, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होता है, बट इतने तक डिस्कस नहीं किया। एक्चुअल में पैरेललोपिपेड का वॉल्यूम ए डॉट बी क्रॉस ई होता है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। नो डाउट स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट अभी आपके कोर्स में नहीं है, बट एनी टाइम दिस क्वेश्चन कैन बी कन्वर्टेड इफ वॉल्यूम ऑफ ए पैरेललोपिपेड विद साइड दिस दिस दिस, मतलब आपको रिजल्ट भी दे दिया जाए साथ, देन फाइंड इट। तो बिल्कुल आप फाइंड आउट कर सकते हैं बेटा, आपको डॉट प्रोडक्ट भी कैलकुलेट करना आता है, आपको क्रॉस प्रोडक्ट भी कैलकुलेट करना आता है, वन बाय वन करके कर सकते हैं। यस, तो वॉल्यूम लिखती हूँ बेटा मैं डायरेक्ट, वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपिपेड इज आप डायरेक्ट डिटर्मिनेंट से भी लिख लेंगे बेटा तो कोई मार्क्स नहीं कटने वाला, एक्स्ट्रा लर्निंग के कभी मार्क्स नहीं कटते, डू रिमेम्बर। यहाँ क्या है साइड्स 2a माइनस b 3c, दैट मीन्स 2a डॉट माइनस b क्रॉस 3c,
ओके और डेफिनेटली बेटा इसका मॉडुलस होता है क्योंकि डॉट प्रोडक्ट तो नेगेटिव भी हो सकता है बट वॉल्यूम नेगेटिव नहीं हो सकता। तो ओके इसको सीधा डिटर्मिनेंट फॉर्म में कैलकुलेट करते हैं बेटा। डिटर्मिनेंट फॉर्म में कैलकुलेट करूंगी मैं इसे, तो 2a 2 माइनस 2 4 एंड माइनस b, मतलब इस वेक्टर को माइनस से करना है मुझे, माइनस 3 माइनस 4 5 एंड 3c, दैट मीन्स इसको 3 से करना है 6 माइनस 3 9। ओके ये मॉडुलस सॉरी डिटर्मिनेंट मॉडुलस बिल्कुल लिख सकते हैं हम, लेकिन उसका रॉन्ग मीनिंग मत लीजिएगा क्योंकि मैट्रिक्स को भी कई बार डबल बार से लिखते हैं, बट नो डाउट आपके लेवल तक नहीं ये नोटेशन हम बात करते बट हायर लेवल में करते हैं। ओके चलिए मॉडुलस नेक्स्ट में लिखेंगे, नो इशू। चलिए इसको कैलकुलेट करें, 2 माइनस 36 प्लस 15 प्लस 2 दिस इज माइनस 27 माइनस 30 दिस इज प्लस 4 9 प्लस 24। ओके मॉडुलस दिस विल बी माइनस 21 दैट मींस माइनस 42, दिस विल बी माइनस 57 दैट मींस माइनस 114 एंड दिस विल बी 33 दैट मींस 132, राइट मॉडुलस ऑफ दिस एंड this will be 132, okay, minus 10, 90, minus 24, yes, minus 24, that means 24 units, volume है जो भी units, okay, so direct question है ये, नो डाउट विदाउट गिविंग द रिजल्ट आपसे नहीं पूछा जा सकता क्योंकि स्केलेटर प्रोडक्ट आपसे डिटेल में डिस्कस नहीं किया गया, आपके कोर्स से एसेस डिलीटेड है फॉर 2022। ओके तो यहाँ बेटा वेक्टर एलजेब्रा के भी क्वेश्चन आपसे डिस्कस हो गए हैं कंप्लीट, आई होप आप इनका बेनिफिट ले रहे होंगे। 2021 और 22 के सैंपल पेपर्स में आपसे ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ, वो आप वहां से दे सकते हैं। नेक्स्ट टाइम थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री। ओके चलिए दैट्स ऑल फॉर द डे।